अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज सेवन्थ क्लास जियो के साथ मैं हूं यूनस। कुरह हवा की तहदार स्ट्रक्चर, द लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो याद रखिएगा, जो कुरह हवा की जो लेयर होती है वो बेसिकली फोर टाइप्स की होती हैं। पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो आज हम डिस्कस करेंगे जस्ट टू जो है ना, बेसिकली हमारे पास जो लेयर्स हैं उसमें पहली जो लेयर है उसके कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। जरा पढ़िए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो सबसे पहले बात कौन सी है ट्रोपोस्फेयर की? तो वो कहता है ज़मीन के करीब मौजूद कुरह हवाई की तह ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। जो ज़मीन के करीब मौजूद होती है, जो बिल्कुल ज़मीन के साथ होती है, उसे कुरह हवाई को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। ये ज़मीन पर तमाम ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, मौजूद तमाम जिंदगी के लिए ज़रूरी है। जितनी भी चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमंस हैं, तो ये इन तमाम के लिए ज़रूरी है। इसकी वजह से ज़मीन पर हर तरह की सरगर्मियाँ जारी हैं। इसी वजह से हर जगह पर इसकी जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। इसमें तमाम मौसमी कैफियात रोनुमा होती हैं, जिसमें बादल, बारिश, हवाएँ, हरारत वगैरह कुरह अर्ज को एक मतवाजन माहौल मुहैया करती हैं। कुरह हवा में मौजूद गैसें, आब बुहारात और खाकी ज़रात ज़्यादातर इसी तह में, जिसे हम नाम देते हैं ट्रोपोस्फेयर का, मौजूद होती हैं। इस तह की बुलंद तरीन हिस्से में दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। इस तह में दर्जा हरारत बुलंदी की जानब कम हो जाता है और ये ज़मीन के ऊपर करीब 16 किलोमीटर तक वाक़ है। ये इम्पॉर्टेंट MCQs है कि ये सतह ज़मीन से 16 किलोमीटर ऊपर तक ये मौजूद होता है। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है आप देखिएगा, कुरह हवाई की ये तह ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाकई होती है। देखें, मैं दिखाता हूँ आपको, ये ट्रोपोस्फेयर ये ख़त्म हुई यहाँ पर, इसके ऊपर जो ये रियन आते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें दर्जा हरारत बुलंदी की जानब कम होने की बजाय ज़्यादा होता है। दर्जा हरारत क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा कम की बजाय ज़्यादा होता है। और इसकी आखिरी हद में दर्जा हरारत करीबन 0 सेंटीग्रेड करीब पहुँच जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर तह में ओजोन गैस बड़ी मकदार में मौजूद है, जो सूरज से आने वाली शुआओं को माहौल के लिए साजगार बनाती है। कुरह हवाई की ये तह ट्रोपोस्फेयर के ऊपर करीबन 16 किलोमीटर से शुरू होकर 50 किलोमीटर तक होती है। तो इसकी बुलंदी क्या है? 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर। उसके बाद है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर तह स्ट्रेटोस्फेयर तह के ऊपर वाकई है। इसमें दर्जा हरारत बुलंदी की जानिब दोबारा कम होना शुरू हो जाता है। मीजोस्फेयर के आखिरी हद पर हवा का दर्जा हरारत करीबन -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। यहाँ हवा में मौजूद गैसें और दूसरे ज़रात बहुत कम मकदार में पाए जाते हैं। ये कुरह हवाई में 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के दरमियान वाक़ है। थर्मोस्फेयर की बात करते हैं। थर्मोस्फेयर तह 80 किलोमीटर से लेकर कुरह हवाई की आखिरी हदूद तक फैली हुई है। कुरह हवाई के इस हिस्से में दर्जा हरारत बुलंदी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। 350 किलोमीटर की बुलंदी पर दर्जा हरारत करीबन 100 सेंटीग्रेड के रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये थी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जो आपने अब इसमें जो आपको होमवर्क होगा वो आपका जस्ट ये होगा, आपने ट्रोपोस्फेयर लिखनी है और उसके साथ आपने लास्ट में थर्मोस्फेयर लिखना है। तो आइए, आपका होमवर्क होगा। आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया। कोई क्वेश्चन या कोई बात पूछता हूँ, मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।